आजि माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट रो बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ए बैठक रे समुदाय 13 कोटी प्रस्ताव को आज कैबिनेट अनुमोदन करिसेंथि। प्रथम प्रस्ताव हला ओडिशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस कैडर रो रिस्ट्रक्चरिंग, ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिसेंथि। आगर जो 7टी लेवल थिला वर्तमान 6टी लेवल करा हेछि एवं गोटे एडिशनल चीफ इंजीनियर लेवल गोटे क्रिएट करा हेछि एवं डीओ डेप्युटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल को अबोलिश करा हेछि। समुदाय जो पोस्ट थिला 346 सेतिकी रहिबो। द्वितीय इम्पोर्टेंट प्रपोजल एनर्जी डिपार्टमेंट थिला लो वोल्टेज जो जो एरिया रे होछि ओडिसा से लो वोल्टेज को दूर करिया पई गोटे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट 260 कोटी टंकार पाखापाखि अप्रूव करा हला, जो थे ओडिशा रो आठमल्लिक, एमरामपुर, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट चित्ताल, बलांगीर आगलपुर, ये चारिटी जगह रे ग्रिड सबस्टेशन मान तयारी करा जिवो एवं केन्द्रीय जिला रो तुरुमंगा ठारो ढेंकी कोट पर्यंत ट्रांसमिशन लाइन काम करा जिवो। या द्वारा जो लो वोल्टेज पॉकेट सब अच्छी एवं जोटे मेगालिफ प्रोजेक्ट सब फंक्शन कर असुविधा हो लो वोल्टेज सेटा दूर हो पार। नेक्स्ट प्रपोजल एनर्जी डिपार्टमेंट रो बहुत इंपोर्टेंट प्रपोजल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट फेज 4 ODSSP फेज 4 एथे प्राय 1796 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं ओडिशा रो लो वोल्टेज जो पॉकेट सब अच्छे विभिन्न ग्रामांचल से 900 कोटी 33/11 के भी नूतन सबस्टेशन तैयारी करा जिवो एवं प्राय 64 33 के भी नूतन लाइन जहाँ लेंथ प्राय 812 किलोमीटर ताकू करा जिवो। आसंता 3 वर्ष भितर 99/33/11 के भी सबस्टेशन एवं 64 33 के भी लाइन को कंप्लीट करा जिवो एवं OPTCL माध्यम रे ये काम सब करा जिवो। या द्वारा ग्रामांचल रे जो लो वोल्टेज पॉकेट सब अच्छे तार लो वोल्टेज प्रॉब्लम समाधान हो पारिबो एवं क्वालिटी पावर कंज्यूमर मान को जोगे दिया जिवो। नेक्स्ट प्रपोजल स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट अधीन रे जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो शिक्षा सहायक माने थिले से मानन को रेगुलराइज करिया पई आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिसेंथि एवं 6 वर्ष परे से मानन को रेगुलराइज करा जेबे एवं से माने असिस्टेंट टीचर हिसाब रे रेगुलराइज हेबे। या द्वारा आदिवासी बहुल अंचल रे जो जनजाति छात्र छात्री माने अछंती से माने क्वालिटी एजुकेशन पाई परिबे एवं या द्वारा 3328 जन MLE मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम रे जो टीचर माने अछंती से माने रेगुलराइज हेबे। नेक्स्ट प्रपोजल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन प्रपोजल गोटे थिला IOCL तरफ रु इंडस्ट्री डिपार्टमेंट प्रपोजल मूव करथिले जेतो IOCL सहित राज्य सरकार MOU होता पारादीप रिफाइनरी प्रोजेक्ट करने 2004 मसीह से MOU रे प्रथम 5 वर्ष पाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन करने प्रोविजन थिला एवं से परिप्रेक्षी राज्य कैबिनेट आज एक अनुमोदन कर 5 वर्ष फंक्शन है दिन ठू 5 वर्ष पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन से माने पाइबे। नेक्स्ट प्रपोजल इरिगेशन वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट रो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कलाहांडी जिलार सांदुल बैरेज प्रोजेक्ट तार जो टेंडर होता से टेंडर को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर 126 कोटी टंका व्यय बैरेज प्रोजेक्ट कम खूब शीघ्र आरंभ हो एवं या द्वारा 5000 हेक्टर जमी 29 गाँव में कलाहांडी जिलार इरिगेशन हेबो एवं 2.5 वर्ष भितर ए प्रोजेक्ट कंप्लीट करा जिवो एवं
पांच वर्ष ओ एन एम रे प्रोविजन अच्छी सांदुल नदी उपर यह बैरेज कम कर। नेक्स्ट प्रपोजल अंडरग्राउंड पाइपलाइन द्वारा इरिगेशन जोगे देवाई रेंगाली राइट केनाल रे प्राय 24,000 हेक्टर जमी रे जलसेचन जोगे देवाई अंडरग्राउंड पाइप वाटर सिस्टम करा जिबा एवं यापाई जो टर्न की टेंडर आह्वान करा जायतिला प्राय 443 कोटी टंका व्यय रे ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछंती एवं या द्वारा ढेंकनाल एवं कटक जिले रे 24,000 हेक्टर रु अधिक जमीन जलसेचित हो पार और पाइपलाइन द्वारा जलसेचित हो जहाँ कि ग्राविटी फ्लो मध्यम जीव। नेक्स्ट प्रपोजल होती बालेश्वर जिले में आनंदपुर बैरेज रु सालंदी लेफ्ट केनाल मध्यम अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम डेवलप करा जीव प्राय 9,800 हेक्टर जमी को इरिगेशन कर एवं बालेश्वर जिले रे या बालेश्वर जिले रे 9,800 हेक्टर जमी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन माध्यम रे इरिगेशन जोगे दिया जिवो या पई 2,257 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं यार मध्य जो टेंडर हेतला ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करचंदी। तेबळे आज ओडिशा वेटनरी सर्विस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 2021 आज राज्य कैबिनेट अमेंडमेंट ओडिशा म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1950 ओडिशा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट 2003 गोटे आज ऑर्डिनेंस करा जाए अंडर आर्टिकल 213(1) ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पर या द्वारा रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट एवं ऑफिसर्स ऑफ चेयरमैन एवं मेयर से उपरे आज ओडिशा म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1950 एवं ओडिशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2003 को जो अमेंडमेंट करने प्रपोजल था ताको राज्य कैबिनेट अप्रूव करचंदी। से भली आज ओडिशा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस एवं ओडिशा जुडिशियल सर्विस रूल 2007 अपेंडिक्स ए बी एवं डी को मध्य राज्य कैबिनेट जो अमेंडमेंट प्रपोजल आसला अप्रूव कर 1600 विधानसभा अष्टम अधिवेशन सत्र अवसन को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर गोटे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वर्क्स डिपार्टमेंट रीडेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक तार जो पेज वन जो काम चलती से 600 ऊर्ध डाक्टर एवं अन्य स्टाफ मानी क्वार्टर्स करिया पे जो पैकेज एवं अन्यान इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब टर्न के बेसिस रे टेंडर कराई थिला एवं ताप प्राय 888 कोटी टंका खर्च करा जिवो एथरे एल वन बिडर जो एनसीसी लिमिटेड ताको टेंडर अवार्ड करा जिवो एवं ये जो एल वन बिडर जो 888 कोटी टंका जो कार्य करिवो ताको आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करचंती एवं यही कार्य असंता 2 वर्ष मध्य संपूर्ण हम यह आज सब मिश्री 13 गोटी प्रपोजल को राज्य कैबिनेट अनुमोदन देखते। धन्यवाद।